जन सेवा के संकल्प में महत्वपूर्ण है कुशल प्रशासन और उसके लिए अहम है सुगमता और पारदर्शिता। इस अवधारणा को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ते हुए राजस्व महाअभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की। नागरिकों की राजस्व समस्याओं का तेजी से समाधान करने और उन्हें सेवाएं सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व महाअभियान 2.0 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें करीब 50 लाख प्रकरणों का त्वरित निराकरण हुआ। साथ ही 88 लाख से अधिक EKYC प्रक्रिया पूर्ण हुई। हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में 31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है। लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भोपाल समेत 36 जिलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया। अब तक दो चरणों में आयोजित हुए राजस्व महाअभियानों में 80 लाख से अधिक प्रकरणों के पूरे होने से जन जन की आस पूरी हुई। सभी को बधाई, और इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार सुशासन से समाधान और जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रतिबद्ध है।